जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक ही आज़ाद कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल पर। आज हम भारत के प्रमुख झीलों के बारे में बात करेंगे। जम्मू कश्मीर की झीलें देखते हैं, डल झील, पुलर झील, शेषनाग झील, बेरीनाग झील, अनंतनाग झील, ये सभी जम्मू कश्मीर की झीलें हैं। डल झील, पुलर झील, शेषनाग झील, बेरीनाग झील, अनंतनाग झील। तो दोस्तों याद रखना कि जिन झीलों के पीछे नाग लगा हो वो जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेंगी। 90% झीलें जो नाग लगी हैं, जो पीछे नाग लगा होता है, वो सभी जम्मू कश्मीर में देखने को मिलती हैं। मेघालय की झील देखते हैं, उमियान झील। ठीक है, उमियान झील मेघालय की है, महत्वपूर्ण झील है। मेघालय की झील उमियान झील है। उत्तराखंड की झील, उत्तराखंड में आपको ताल देखने को मिलेंगे, जैसे नैनीताल झील है, भीमताल झील है, राक्षस ताल झील है। ठीक है, नैनीताल, भीमताल, राक्षस ताल, दोड़ा सागर झील, देवताल झील, नौकुचिया झील, सात ताल झील, खुरपाताल झील, ये सभी उत्तराखंड में देखने को मिलेंगे। दोड़ा सागर, देवताल, नौकुचिया, सात ताल और खुरपाताल, ये सभी उत्तराखंड में है। लद्दाख में पैंगसो झील है। ठीक है, पेंगोंग त्सो झील, लद्दाख झील, लद्दाख में ये। मणिपुर में लोसी झील, पुमलेन पात झील, लोकटक झील। ठीक है, लोकटक झील पे ऐसे फुमड़ी मिलती है, यहाँ पे तैरता हुआ नेशनल पार्क मिलता है लोकटक झील पे। तो मणिपुर में कौन कौन सी झील है? लोसी झील, पुमलेन पात झील और लोकटक झील। राजस्थान में बहुत झीलें हैं, जैसे डिडवाना, सामर, पंचभद्रा, राजसमंद, पिछौला, लूणकरसर। ठीक है, करसर, लूणकरसर, जयसमंद और फतेह सागर झील। तो राजस्थान में कौन कौन सी झीलें हैं? डीडमाना झील, सामर झील, पंचभद्रा झील, राजसमंद झील, पिछौला झील और लूणकरसर झील, जयसमंद झील, फतेह सागर झील। याद रखना दोस्तों, राजस्थान की बहुत महत्वपूर्ण झीलें हैं। तमिलनाडु में चेमराबक्कम झील। ठीक है, चेमराबक्कम झील। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में पुलिकट झील है। ठीक है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में पुलिकट झील है। उड़ीसा में चिल्का झील है और अंशुपा झील है। याद रखना, उड़ीसा में चिल्का झील और अंशुपा झील है। महाराष्ट्र में लोनार झील है, महाराष्ट्र में लोनार झील है। केरल में वेम्बनाड झील, अष्टमुड़ी झील, पेरियार झील। तो केरल में कौन कौन सी झीलें हैं? वेम्बनाड झील, अष्टमुड़ी झील और पेरियार झील। सिक्किम में चोलामू झील। गुजरात में कांकरिया झील, सूरसागर झील, हमीर सागर झील। ठीक है, कर्नाटक में उलूसर झील, हरियाणा में सूरजकुंड झील। ठीक है, सिक्किम में चोलामू झील, गुजरात में कांकरिया झील, सूरसागर झील, हमीर सागर, हमीर झील या हमीर सागर भी कह सकते हैं इसे। कर्नाटक में उलसूर झील, हरियाणा में सूरजकुंड झील, हिमाचल प्रदेश में रेणुका झील, मछियाल झील, सूरजताल झील, गोविंद सागर झील। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सी? रेणुका झील, मछियाल झील, सूरजताल झील और गोविंद सागर झील। आगे हम भारत के प्रमुख झरनों के बारे में बात करने हैं। ठीक है, हमने झीलों के बारे में बात की थी अभी तक, और हम प्रमुख झरनों के बारे में बात करते हैं। राजस्थान में चुलिया जलप्रपात, भीमताल जलप्रपात, ये राजस्थान में जलप्रपात हैं। ठीक है, ये झरने देखने को मिलते हैं। मेघालय में नोहकलिकाई जलप्रपात, नोसनग्याग जलप्रपात। ठीक है, चुलिया जलप्रपात, भीमताल जलप्रपात, ये राजस्थान में। मेघालय में नोहकलिकाई जलप्रपात और नोसनग्याग जलप्रपात। मध्य प्रदेश में धुआंधार और कपिलधारा जलप्रपात, ये नर्मदा नदी पर मिलते हैं। ठीक है, महाराष्ट्र में अम्बोली जलप्रपात और ठोसेघर जलप्रपात। कर्नाटक में कुंचिकल जलप्रपात, शिवासमुद्रम जलप्रपात, कावेरी नदी पर है ये। शिवासमुद्रम जलप्रपात, कुंचिकल जलप्रपात और जोग जलप्रपात। जोग जलप्रपात जिससे महात्मा गांधी जो जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है, जोग जलप्रपात को। झारखंड में हुंडरू जलप्रपात और राजरप्पा जलप्रपात। ठीक है, राजरप्पा जलप्रपात और हुंडरू जलप्रपात, ये झारखंड में है। उड़ीसा में बरह पानी से, बारह पानी भी बोलते हैं, बरह पानी
जलप्रपात और टूटूमा जलप्रपात ये उड़ीसा में, केरल में पाल रूबी जलप्रपात, अथरापल्ली जलप्रपात, ठीक है, केरल में पाल रूबी जलप्रपात, अथरापल्ली जलप्रपात और तमिलनाडु में पायकारा जलप्रपात। दोस्तों धन्यवाद, हमने भारत की झीलें और जलप्रपात के बारे में बात की। हमारा कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट भी कर दें और सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।